हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मूवीज़ बोल्ड पे। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 कार रेसिंग मूवीज़। ये सभी मूवीज़ आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएंगी और सबसे बड़ी बात, ये सभी मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, हमारी 10th मूवी है हर्बी फुल्ली लोडेड। ये मूवी आई थी 2005 में। ये एक एडवेंचर कॉमेडी फैमिली मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है मैगी पैटन की, जो एक नई कार लेती हैं अपने बर्थडे पे, पर उनको ये नहीं पता होता कि इस कार के पास खुद का दिमाग है, या आप कह सकते हैं इस कार के अंदर इसके पास खुद की आत्मा, जिसकी वजह से ये खुद ही सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। जब इनको पता लगता है कि इस कार के अंदर ये सारी खूबियां हैं, तो ये डिसाइड करती हैं कि ये नेस्कर कार कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी और उसको जीतेंगी। क्या ये उस कंपटीशन को जीत पाती हैं या नहीं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट मूवी। दोस्तों, हमारी 9th मूवी है डेज ऑफ थंडर। ये मूवी आई थी 1990 में। ये एक एक्शन ड्रामा स्पोर्ट्स मूवी है। इस मूवी की मेन लीड में है टॉम क्रूज, इनको आप जानते हैं इथन हंट के नाम से, आपने इनको मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज के अंदर देखा होगा। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक यंग हॉट शॉट स्टॉक ड्राइवर की, जिसको मौका मिलता है कि वो टॉप रेसर्स के साथ रेस कर सकता है टॉप लेवल पे। क्या है उस रेस को जीत पाता है या नहीं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला है 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों, हमारी 8th मूवी है स्पीड रेसर। ये मूवी आई थी 2008 में। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक यंग ड्राइवर की, स्पीड रेसर की, जो रेसिंग वर्ल्ड में चैंपियन बनना चाहता है, और इसमें उसकी मदद करती है उसकी फैमिली और साथ में उसका हाईटेक मैक 5 ऑटोमोबाइल। आखिर ये है क्या हाईटेक मैक 5 ऑटोमोबाइल, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हिंदी में अवेलेबल है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट मूवी। दोस्तों, हमारी 7th मूवी है नीड फॉर स्पीड। ये मूवी आई थी 2014 में। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। ये मूवी बेस्ड है एक गेम के ऊपर इसी के नाम की, नीड फॉर स्पीड, जो PC और मोबाइल दोनों में अवेलेबल है। काफ़ी फेमस गेम है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है हमारे हीरो की और विलन की, जो दोनों आपस में बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि हमारे विलन ने हमारे हीरो का बहुत कुछ बिगाड़ा है और उसको मौका मिला है इस बार कि वो इससे अपना बदला ले सकता है, क्योंकि इस बार एक बहुत बड़ी क्रॉस कंट्री रेस होने वाली है US के अंदर, जिसमें ये अपना बदला रेवेंज ले सकता है। क्या ये अपना बदला ले पाता है नहीं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है, और कैसे लेता है वो भी आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी के अंदर एक से एक महंगी गाड़ियों की रेस होती है और काफ़ी अच्छी मूवी है। हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला है 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों, हमारी 6th मूवी है डेथ रेस। ये मूवी आई थी 2008 में। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अभी तक बहुत से पार्ट्स आए हैं और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक ऐसी जेल की, एक ऐसे प्रिजन की, जहाँ पे कैदियों को ये ऑफर दिया जाता है कि अगर तुमको जल्दी आज़ाद होना है तो तुम रेस करो। ये रेस बहुत ही ब्रूटल होनी चाहिए, किसी को भी मार डालो, हैवी से हैवी वेपन्स का यूज़ करो लोगों को मारने के लिए, बस इस रेस को तुम जीतो। और हमारे हीरो को भी ये ऑफर दिया जाता है, पर वो इसको रिफ्यूज़ कर देता है, तो उसको फोर्स किया जाता है कि तुम इस रेस में पार्टिसिपेट करो, और वो प्लान बनाता है कि वो इस रेस के थ्रू भाग जाएगा। क्या वो ऐसा कर पाता है नहीं, उसका प्लान सफल हो पाता है नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले हैं 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों, हमारी 5th मूवी है कार्स। ये मूवी आई थी 2006 में। ये एक एनिमेशन कॉमेडी फैमिली मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक हॉट शॉट रेसिंग कार की, जिसका नाम होता है लैकमिंग मक्वीन। वो जा रहा होता है रेस के लिए कहीं पर रास्ते में वो रेडिएटर स्प्रिंग में फंस जाता है, और वहाँ पर उसको पता लगता है कि लाइफ का असली मीनिंग क्या होता है, फ्रेंडशिप क्या होता है, फैमिली क्या होती है, वो सब उसको वहाँ पर पता चलता है, क्योंकि रेसिंग करते करते ये फैमिली को फ्रेंड्स को सब कुछ भूल गया था, और वहाँ पे इसको पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में। मूवी के अंदर और भी बहुत कुछ है, तभी तो इसके 3 पार्ट्स आए हैं और तीनों ही पार्ट्स हिट हैं। बहुत अच्छी मूवी है, हिंदी में अवेलेबल है तीनों ही पार्ट्स। इसको रेटिंग मिला है 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों, हमारी 4th मूवी है बेबी ड्राइवर। ये मूवी आई थी 2017 में। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक ड्राइवर की, जिसका नाम होता है बेबी, दैट्स वाई इस मूवी का नाम बेबी ड्राइवर है। इसने अभी तक बहुत सी चोरियां की हैं, बहुत सी चोरियों में अपने साथियों की मदद की है, और आज तक ये पकड़ा नहीं गया। इसका काम होता है कि जैसे इसके साथी चोरी कर कर आएँ, ये उनको किसी भी तरह पुलिस से बचाए, पर इस बार जो ये चोरी करने जा रहे हैं उस चोरी के बारे में पहले ही पुलिस को पता लग गया है कि ऐसी सिचुएशन में ये लोग उस चोरी को अंजाम दे पाते हैं या नहीं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला है 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों, हमारी 3rd मूवी है ड्राइव। ये मूवी आई थी 2011 में। ये क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक स्टंट मैन की, जो हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर स्टंट मैन का काम करता है। दिन में तो ये काम करता है, पर रात में ये क्रिमिनल्स की मदद करता है उनको चोरी करने में और भगाने में। इसका काम होता है कि जब भी कोई चोरी करने जाए, ये सिर्फ 5 मिनट तक रुकता है उनके लिए। 5 मिनट में जितने भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी इसकी जाए, पुलिस चारों तरफ से इनको घेर ले, ये किसी भी तरह उन चोरों को बचाएगा। पर इसने एक गलती कर दी अपने नेबर की मदद करके, जिसकी वजह से इसकी लाइफ के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। क्या ये उनसे निकल पाता है या नहीं, आखिर वो प्रॉब्लम क्या है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला है 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट मूवी।
दोस्तों हमारी नेक्स्ट मूवी है फोर्ड वर्सेस फरारी। ये मूवी आई थी 2019 में। ये एक एक्शन बायोग्राफी ड्रामा मूवी है। ये मूवी रियल घटना पर आधारित है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है अमेरिकन कार डिज़ाइनर कैरोल सेल्बी की और उनके ड्राइवर कैन माइल्स की। ये दोनों मिलकर आपस में कॉर्पोरेट करते हैं ताकि ये लोग फोर्ड के लिए फिजिक्स के लॉस को ध्यान में रखते हुए एक रेवोल्यूशनरी रेसिंग कार बना सकें, क्योंकि उस समय की सबसे ज़्यादा तेज कार थी फरारी और इनको किसी भी तरह उस कार को डिफीट करना था 24 आवर्स लंबी ले मैंस की रेस में जो 1996 में होने वाली थी। तो इस मूवी के अंदर आपको देखना है कि ये लोग ऐसी कार बना पाते हैं या नहीं जो फरारी को हरा सके। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.1 out of 10 IMDb पर। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट मूवी। दोस्तों हमारी फर्स्ट मूवी सीरीज है फास्ट एंड फ्यूरियस। डेफिनेटली आप लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस नंबर वन पे फास्ट एंड फ्यूरियस ही होगी, बिकॉज ये मूवी डिजर्व करती है, ये सीरीज डिजर्व करती है नंबर वन की पोजीशन। इस मूवी सीरीज के अंदर आपको बहुत सारी कार रेसिंग, बहुत सारी चोरियां, बहुत सारा एक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अभी तक 8 parts आए हैं और 8 के 8 parts हिंदी में अवेलेबल हैं और सभी ज़बरदस्त हैं। अगर हब्स एंड शॉ को भी जोड़ लें तो 9 parts हो जाते हैं। डेफिनेटली आप इस मूवी सीरीज को देखें, आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी सीरीज। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट स्प्रेड दिस वीडियो एवरीवेयर so that everyone can take advantage of this video. So guys, I will meet you in the next video. Thank you.